गुजरात। चलिए आज हम कुछ गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात वो भूमि है जहां आनंद सागर महाराज साहब जी का जन्म हुआ था। गुजरात वो भूमि है जहां ऐसे रत्न पैदा होते हैं। सैकाओं से जिन मंदिरवाणी जैन धर्म के अनुयायी का आलंबन श्रेष्ठ शुद्ध और सुंदर ही होता है। गांधार, खंबात, पाटन, राजनगर, सूरत, जामनगर आदि कई जगह जिन मंदिर की कलाकृति भव्य अजोड़ है, उसमें आबू के दिलवाड़ा मंदिर, गिरनार, शत्रुंजय मंदिर की बात ही निराली। इसी तरह 74 प्रदेश का कपड़वंज नगर के जिनालयों का महिमा भव्यति भव्य है। वो कहा है ना, देखो महिमा ऐसी छाई है, देखो महिमा ऐसी छाई है, गुजरात की जय जयकार हो आई है। महापुरुषों की जन्म की गाथा जहाँ गुनगुनाई है, महापुरुषों की जन्म की गाथा जहाँ गुनगुनाई है, चारों ओर से गुजरात की बात आई है। कपड़वंज गुजरात का प्राचीन शहर प्राचीन काल में रिद्धि सिद्धि और जाओ जलाली से भरा हुआ था। पौराणिक बातों में कहा है कि रामचंद्र जी भी 14 वर्ष के वनवास काल में परिभ्रमण करने इस नगर में आए थे। इस गांव का पूरा नाम करपट वाणिज्य था। करपट यानी कापड़, वाणिज्य यानी व्यापार। सूरत भरूच दरिया मार्ग के व्यापार का ये कपड़वंज बड़ा क्षेत्र था। धीरे धीरे करपट वाणिज्य से कापड़ वाणज और आज कपड़वंज से हाल प्रसिद्ध है। और कापड़ का व्यापार अल्प हिंसक होने के कारण जैन श्रेष्ठीय ज्यादा में रहते थे। जैनों को अल्प हिंसक हो वैसा व्यापार करते थे। जिनालय की महिमा जहाँ जोरों शोरों से हो रही थी, मुगल काल में बहुत कुछ होने के बाद भी आज 8 जिनालय रहे हैं और वो भी अत्यंत प्रभावशाली है। वहाँ की जिन प्रतिमा सम्यक दर्शन की शुद्धि करती है। अब हमारे गुरुदेव इस प्रतिमा की कृपा से सप्त रंगी भरे जीवन को सजा रहे थे। प्रणाम।